हम नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले तो ये चावल की बनी हुई मूढ़ी बोलते हैं इनको, ये लेंगे हम। इतनी हमने एक डिब्बा मूढ़ी ली है, और 1 कप हमने कॉर्नफ्लेक्स लिया है, और 1 कप हमने ये पीनट्स लिए हैं, ये जो हमने अभी रोस्ट किए हैं, ये इस तरह के हो जाते हैं फिर। और 1 कप हमने ये रोस्टेड चने लिए हैं। इसके अलावा हमें मसालों में 1/2 टीस्पून हमने मिंट पाउडर लिया है, यानी पुदीना पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने अमचूर लिया है, और 1/2 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है, 1/4 स्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1/4 स्पून हमने हल्दी ली है, और 1/4 स्पून हमने मिर्ची पाउडर लिया है, और 2 टेबल स्पून हमने कुक्ड ऑयल लिया है। तो सबसे पहले हम ये जो रोस्टेड चने हैं इनमें थोड़ी सीलन या वेटनेस होती है, तो इसे 1-1 मिनट के लिए 2 मिनट हम रोस्ट करेंगे। तो इसे बाउल में डालकर माइक्रोवेव में हम नमकीन बनाएंगे। ये 2 मिनट हमने चने रोस्ट कर लिए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। और अब ऐसे ही हम ये मूढ़ी जो है चावल की, इसे रोस्ट कर लेंगे 1-1 मिनट के लिए, 2 मिनट इसको कवर कर देंगे। ये मूढ़ी हमने 1 मिनट के लिए रोस्ट कर ली है। अभी इसके ऊपर कवर के ऊपर काफी मतलब वेपर आ जाती है, तो हमने इसको कपड़े से साफ कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करके हिला के और 1 मिनट के लिए हम इसे और रोस्ट करेंगे। अब हम इसे फिर से कवर करके 1 मिनट के लिए। ये मूढ़ी हमारी रोस्ट कर ली है हमने। अब हम इसमें अपने चने मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और ये 1 कप कॉर्नफ्लेक्स कर देंगे इसमें मिक्स। ये पीनट्स कर देंगे मिक्स इसमें। ये 2 टेबल स्पून हमने ये जो कुक्ड ऑयल लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्पून हम इसमें टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, और 1/4 स्पून सॉल्ट, अभी मैं सॉल्ट बताना भूल गई थी, तो 1/4 स्पून हम सॉल्ट लेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। बंधन के बाल बना के
एक मिनट रोस्ट कर लिया है और अब अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे, आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, शेयर कीजिए और लाल बटन आप ज़रूर दबाइए सब्सक्राइब के लिए। अब हम गरम मसाला डाल देते हैं इसमें, रेड चिली डाल देते हैं और ये मिंट पाउडर डाल देते हैं, चाट मसाला डाल देते हैं और ये अमचूर पाउडर डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स करना है हमें। बहुत इजी है ये नमकीन बनाना, बच्चे इसे काफी लाइक करते हैं। शाम की छोटी छोटी भूख है वो इससे मिट जाती है। खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और हेल्थ के लिए भी ये नुकसान हार्मफुल नहीं होती है। अब हम इसे एक मिनट के लिए और रोस्ट करेंगे। तो ये नमकीन हमारी रोस्ट हो गई है और अब हम इसे अच्छे से और मिक्स कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर में ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल खाने के लायक रहेगी, बिल्कुल क्रंची बनी है ये, आप ट्राई कीजिए। ये हमारी नमकीन बनकर तैयार है।